हाँ हेलो एंड वेलकम टू द ए आई क्लब माई नेम इज़ उद्देश सोमन आई एम स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर इन इलेक्ट्रिकल डिप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज आज हम लोग देखने वाले हैं फोर फिफ्टी डी एस ए डॉट कॉम के क्वेश्चन ग्रीडी ग्रीडी जो ग्रीडी एलगोरिदम के थ्रू सोल्व होते हैं उस मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर टू ट्वेंटी फोर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट्स टू हिमांशु शर्मा ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस ब्रांच फ्रॉम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज for preparing this code uh, unki thodi tabiyat kharab hai isliye wo aaj join nahi kar paaye so i'll be taking the presentation but uh, thank you himanshu for uh, this code so let's start question number 15 hai hamare paas maximize sum after k negations तो आपके पास uh, जो sample है जो input है उसमें आपके पास list दी है और आपके पास k uh, negations available है मतलब टाइम्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी वैल्यू को नेगेटिव uh, कर सकते माइनस मतलब वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको ऐसा uh, आपको उन वैल्यूज uh, को निगेट uh, uh, करना है मतलब उन वैल्यूज को नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आपका जो एरे है एरे या फिर यहाँ पे हम लोग लिस्ट यूज कर रहे हैं तो लिस्ट का जो सम है वो मैक्सिमम आ पाए मैक्सिमम सम के लिए आ, हमारे पास दिमाग में बेसिक लॉजिक चलता है कि अगर हम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में ले लें सॉर्टेड ऑर्डर में ले लें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग इसको पहले सॉर्टेड ऑर्डर में लेंगे यहाँ कोड में वही किया है पहले इस लिस्ट को कर लिया सॉर्ट लिस्ट को सॉर्ट कर लिया तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ट्वेल्व और हमारे पास कितने नेगेशंस अवेलेबल है हम कितनी वैल्यूज कितनी को नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम सम मैक्सिमम सम बनाने के लिए तो वो हमारे पास एक के उसकी वैल्यू हम पास कर देंगे तो जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में टू है तो हम चार में से दो वैल्यूज को नेगेटिव कर सकते हैं और एक्चुअली हमें दो वैल्यूज को करना ही है भले ही उससे मैक्सिमम सम कम हो या ज्यादा हो एग्जैक्टली exactly दो वैल्यूज को हमें निगेट करना ही है मतलब नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करना ही है तो पहले तो हम देख लेंगे क्या ये आ, ये जो वैल्यूज है इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया एक बार हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन टो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहे हैं बिगिनिंग ऑफ लिस्ट पे जो नंबर आ रहे हैं उनको हम पहले नेगेटिव नेगेटिव uh, uh, करते चले नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली आपका मैक्सिमम सम क्रिएट करेंगे अदरवाइज अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर आते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज में आप uh, जो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू है उसको निगेट uh, कीजिए तो उस केस में आपका जो टोटल सम है वो मैक्सिमम बनेगा तो uh, एट uh, हमारी ग्रीडी अप्रोच यही है कि हर uh, हर बार हम जब uh, साइन को फ्लिप uh, करते हैं पॉजिटिव साइन को नेगेटिव या फिर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाते हैं हमारी ग्रीडी अप्रोच ये रहेगी उस पर्टिकुलर स्टेप पे हमें सम मैक्सिमम मिलता चले तो एक्चुअली हमें इन प्रैक्टिस उतना पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है सिंपली जो हमारा एरे uh, है उसकी लेंथ में के ऑपरेशन तक वाइल आई इज लेस देन के हमने आई को जीरो से इनिशिएट किया है

तो उसको हम फ्लिप कर देंगे अदरवाइज हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे ये सिर्फ मतलब आपको अगर इतना पूरा नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इतना कर सकते कि जो आपका एंड है एंड से आप वैल्यूज को नेगेटिव 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 करते चलिए अगर मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू तो वो नेगेटिव हो जाएगी मतलब आपको सॉर्टेड लिस्ट के स्टार्टिंग से माइनस वन से मल्टीप्लाई करते चलना है के नंबर ऑफ टाइम्स तो आपको जो भी आउटपुट एरे मिलेगा वो आपका मैक्सिमम सम एरे होगा तो जैसे इसमें आपको मैक्सिमम टू इस एग्जाम्पल में आपको मैक्सिमम टू टाइम्स नेगेटिव टाइम्सिव से मल्टीप्लाई करना अलाउड था तो इसको हमने सॉर्ट किया सॉर्ट करने पे ये आ गया और जो पहले के दो हैं उनको बस हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस थ्री थ्री बन गया टू माइनस टू टू बन गया तो इसका जो सम आएगा वो मैक्सिमम आएगा इस पर्टिकुलर का अगर अब आप सारे एलिमेंट्स को एड करते चलेंगे तो आपको मैक्सिमम सम मिल जाएगा तो ये आ जाएगा फोर प्लस क्वेश्चन देखते हैं सम एरे आई मतलब आपको जो एरे का वैल्यू है उसको उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते चलना है जो एरे का आपका जो भी एलिमेंट uh, होगा उस एलिमेंट को उसी के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है और उससे आपको जो फाइनल एरे मिलता है उसका उसके सारे एलिमेंट्स का सम है वो मैक्सिमम होना चाहिए तो सिंपल है हम, हमारे पास जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया हमें सिर्फ सॉर्ट कर करने है क्योंकि सबसे बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपकी जैसे इस एग्जाम्पल में फाइव थ्री टू फोर वन है सॉर्ट कर देंगे तो ये वन टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़े इंडेक्स से मल्टीप्लाई होगी तो आपको मैक्सिमम सम मिलेगा ऑब्वियसली तो इसलिए आप बस इसको सॉर्ट कर देंगे एक हमने टोटल वेरिएबल ले लिया और इन्यूमरेट मेथड का हम यूज कर रहे तो जो वेल है उसमें जो एरे है उसकी वैल्यूज आती जाएंगी और आई में उसका इंडेक्स आते जाएगा टोटल इज इक्वल टू तो इंडेक्स टाइम्स इट्स वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि टोटल इंडेक्स टाइम्स वैल्यू का जो एरे बन रहा है उसका सम मैक्सिमम होना चाहिए तो वो टोटल हमने ले लिया हम ऑलरेडी उसको कन्वर्ट कर चुके हैं मतलब सॉर्टेड कर चुके तो हमें जो भी मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा उससे उससे ज्यादा सम वाला एरे हमारे पास पॉसिबल नहीं रहेगा इसको आप करेंगे आप सिंपल लगा दीजिए ये वन टू थ्री फोर फाइव फाइव थ्री टू फोर वन है इसको आप सॉर्ट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा वन वन से मल्टीप्लाई होगा टू टू से होगा थ्री थ्री से होगा फोर फोर से होगा फाइव फाइव से होगा ये स्क्वायर नहीं हो रही एक्चुअली ये वन टू थ्री फोर फाइव है हम इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सॉर्टेड एरे में वो जिस पोजीशन पे उस पोजीशन के वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे तो मैक्म तो पहले परम्यूटेशन ये है कि आपके पास जैसे ये चार एलिमेंट्स की लिस्ट दी है परम्यूटेशन मीन आपका इसका कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं एनी पॉसिबल ऑर्डर एट ले लीजिए या फिर एट फोर टू वन ले लीजिए या फिर टू वन एट फोर ले लीजिए एनी पॉसिबल तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होते हैं वो फैक्टोरियल होते हैं एन फैक्टोरियल तो जैसे हमारे पास यहाँ तो एन फैक्टोरियल हमारा 24 है 24 पॉसिबल उस उन परम्यूटेशन में से ऐसा कौन सा परम्यूटेशन है ऐसे कौन से दो परम्यूटेशन है जिनका एप्सोल्यूट डिफरेंस एप्सोल्यूट डिफरेंस मतलब हम उन, आ, सारे एलिमेंट्स का आपस में डिफरेंस निकाल रहे हैं और उन डिफरेंसेस को एप्सल्यूट कर दे मतलब अगर नेगेटिव साइन है तो भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं जो हमारा मॉड ऑपरेटर रहता है ना मैथ्स में ये इस तरह का मॉड ऑपरेटर रहता है हमारे पास मैथ्स में सॉरी इस तरह का मॉड ऑपरेटर रहता है इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही निकलेगी अगर माइनस एक्स है तो एक्स निकलेगा एक्स है तो एक्स ही निकलेगा तो वो हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस डिफरेंस जो भी हमारी difference की वैल्यू होगी उसको हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है

इनको जब आप सप्ट्रेट करेंगे तो वन एट से सप्ट्रेट होगा टू फोर से सप्रेट होगा हो हो इनका सप्ट्रेट करने तो कर का जो टोटल सम है सेवन टू टू सेवन इसका टोटल सम है एटीन वो, वो आपको मैक्सिमम करना है तो वही लॉजिक लौ, हमारा वही आता है कि आप जो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यूज को मिनिमम वैल्यू से सप्ट्रैक्ट कीजिए

एक्स्ट्रा स्पेस में आप एक और एरे बना सकते हैं जो कि इसका रिवर्स सॉर्टेड एरे रहेगा ये जो है असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर में में आप डिसेंडिंग सॉर्टेड हमारा क्वेश्चन का टास्क है वो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट डिफरेंसेस वो आपको मिल जाएगा तो आपको वही सिंपल uh, हमने आईसी इनिशिएट किया और जे जो है हमारा एंडिंग इंडेक्स है हम अगर हमें अलग से लिस्ट नहीं बनाई तो हम लास्ट इंडेक्स से भी उसको ट्रेवर्स करा सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर वाली लिस्ट को तो एक बार सॉर्ट कराया सॉर्ट कराने के बाद फर्स्ट uh, से एलिमेंट ले रहे हो लास्ट से एलिमेंट ले रहे हैं और ऑब्वियसली हमें मतलब पूरे एलिमेंट तक तो जाने की जरूरत नहीं हम लोग हाफ वे हाफ वे करें तो भी चल जाएगा तो टोटल टोटल uh, ले लिया है, जे वाइल जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आप uh, जो टोटल है उसमें जेथ एलिमेंट मतलब एंड लास्ट का एलिमेंट लिस्ट के लास्ट का एलिमेंट मैक्म एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट उनको आप करते जाइए और जे को तो कम करते जाएंगे डिक्रीज करते जाएंगे क्योंकि आप लास्ट में तो लास्ट से एक पीछे एक पीछे एक पीछे सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट में आते जाएंगे और शुरुआत से जो आई जो है आपको स्टार्टिंग ऑफ लिस्ट से चल रहा है तो उसको आप एक एक बढ़ाते जाएंगे ऐसा आप कब तक करें जब तक जे जीरो तक नहीं आया मतलब आप फुल लिस्ट ये वाला प्रोग्राम फुल लिस्ट रेवर्सिंग के लिए अदरवाइज आप मल्टीप्लाई बाय टू भी कर सकते थे वो भी सेम रिजल्ट देता था और उसमें ये ए बी एस जो रहता है वो अवेलेबल है पाइथन में वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता था तो मतलब आपको जो नेगेटिव नेगेटिव वन वन नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करना है वो आपको नहीं करना पड़ेगा वो एब्सोल्यूट ऑलरेडी आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा डायरेक्टली उसको आप टोटल में ऐड करते चल रहे हैं टोटल में ऐड करते चलेंगे तो आपको फाइनल टोटल मिल जाएगा वो टोटल हमें रिटर्न कराना है ये जो एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया था इसमें हम ये इनपुट लिस्ट डालेंगे टू वन फोर एट इसकी ये सॉर्टेड लिस्ट बन जाएगी सॉर्टेड लिस्ट आ, को जब हम वाइल लूप के थ्रू चलेगा तो वन माइनस एट पहले ऐड हो जाएगा ऐड टू माइनस फोर जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू टू आएगी टू ऐड होगी फोर माइनस टू एड होगा और एट माइनस वन एड होगा वो ऐड होते चलेगा तो आपको फाइनल सम एटीन मिल जाता है ये हो गया मैक्सिमम सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैप एंड मैक्सिमाइज तो आपके पास एक एरे दिया है और आपको ये देखना है कि इनका जो आ, स्वैप करने का एब्सोल्यूट सम है एप्सोल्यूट डिफरेंस है उसके रिमाइंडर्स का वो मैक्सिमम होना चाहिए अभी तक के हम लोग एप्सोलूट डिफरेंस देख रहे थे ये एब्सोलुट डिफरेंस हम रिमाइंडर का देख रहे हैं तो जो भी आपका लेंथ ऑफ एरे है उसका जो लेंथ ऑफ एरे है वो आपका एन आ गया उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा मतलब तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर जो रहता है वो हमें रिमाइंडर देता है तो आप रिमाइंडर निकाल लीजिए और वो रिमाइंडर रिमाइंडर्स की जो लिस्ट बनेगी उसका सम करना है तो वो सम आपको मैक्सिमम चाहिए तो इसके लिए हम करेंगे वही सॉर्टेड एरे लेना है क्योंकि आप सॉर्टेड एरे आपको ऑलरेडी मैक्सिमम जनरेटेड मैक्सिमम रिजल्ट देगा फिर मिड वैल्यू ले ले रहे हैं तो उसको हम एरे को दो में स्प्लिट कर लेते हैं इस इस क्वेश्चन में एरे को दो में स्प्लिट कर लिया अराउंड मिड तो ये जनरल जो हमारी स्लाइसिंग रहती है उससे हमने स्प्लिट किया है और इनिशियल वेरिएबल एक आ, कर लिया टेम्प इक्वल्स टू जीरो तो हम क्या कर रहे हैं एक बार एरे एक बार एरे वन जो हमने बनाया उसका एलिमेंट की वैल्यू को एड करते चल रहे हैं उसका एलिमेंट हटा दे रहे हैं जो आर है। उसमें हम आ, वो एलिमेंट डालते जा रहे हैं एरे वन का एलिमेंट लिया और एरे वन से वो एलिमेंट हटा दिया तो तो एरे की से, आ, स्लाइसिंग कर दी तो जीरो से करने के केन से किया तो वो आपका इंडेक्स कट जाता है और एक बार हम लोग क्या करेंगे मतलब ये अल्टरनेटली करेंगे एक बार ये स्टेप एग्जीक्यूट होगी एक बार ये स्टेप एग्जीक्यूट होगी वो अल्टरनेटली करने के लिए वेरिएबल चला दिया ये इवन इवन ऑर्ड में चलता रहेगा तो आपका अल्टरनेटिव ये कंडीशन चेक हो जाएगी मॉड्यूलो वाली कि इवन है कि ऑर्ड है और उसके उसके अकॉर्डिंग आपका अल्टरनेटली एक बार फर्स्ट एरे फर्स्ट एरे से स्टार्टिंग एलिमेंट ऐड होगा और एक बार एंड सेकेंड uh, एरे से एंडिंग एलिमेंट ऐड होगा वो आप करते जाएंगे और मान लीजिए दोनों में से दोनों में से दोनों एरे में से कोई एक पहले खत्म हो जाता है कोई ये कह रहे जो है वो पहले खत्म हो जाता है तो बचे खुचे बच, बची खुची वैल्यूज जो है वो भी हमने ऐड करा दी जो हमारा बचा हुआ है ऑलरेडी सॉर्टेड है सॉर्टेड के बाद हमने आ, ऐसे किया मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम तो उससे होगा ये हमें हमारे पास जो लिस्ट बनेगी वो इस ऑर्डर में बनेगी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम इस तरह की हमारी फाइनल लिस्ट बन जाएगी इससे अब इस लिस्ट में हम लोग मॉड्यूलो उन दोनों को आपस में सब करके देख सकते हैं उन दोनों को आपस में सब कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा तो वही जो हमारी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था एप्सुलूट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो अभी आ, अभी हम आ, फर्स्ट और लास्ट को कर रहे थे अभी हमने ऑलरेडी इसको मिनिमम मैक्सिमम में अरेंज कर दिया है तो इसको आई माइनस आई प्लस वन तो जो सक्सीडिंग इंडेक्स uh, है नेक्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू से सब्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दे रहे हैं मतलब पॉजिटिव रहे ही रहेगी सारी वैल्यूज मान लीजिए आप नेगेटिव uh, वैल्यू आ रही तो भी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया और उसको हम टोटल में एड करते चल रहे हैं ठीक है और एट दी एंड आपको इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू उसको भी एड कर देना है आपके टोटल में इनिशियल आपका मतलब क्योंकि सर्क्यू इधर आपको कंडीशन सर्कुलर एरे की दी थी या आप क्वेश्चन देखें सर्कुलर एरे रहे तो हमने जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट देखी थी लास्ट एलिमेंट वापस फर्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वैसे ही सर्कुलर एरे सर्क्युलर सर्कुलर एरे की कंडीशन को आपको माइंड में रखना है तो एक ये स्टेप और हो गई कि हमने लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट को भी हो तो वो आपका सर्कुलर वाला कंसिडर हो गया लास्ट एलिमेंट के लिए नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ही होगा सर्कुलर अगर हम देखते हैं तो, तो वो भी एक हमने एड करा दिया और जो फाइनल हमारा टोटल है वो हमने रिटर्न करा दिया जैसे आपने ये लिस्ट डाली फोर वन टू एट ये हो जाएगी पहले सॉर्ट वन टू फोर एट में इसके दो हाफ बन जाएंगे हमने मिड में स्प्लिट किया था तो ये दो हाफ बन गए और हम लोग अब क्या कर रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट लिस्ट से फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड लिस्ट से लास्ट एलिमेंट फर्स्ट लिस्ट से फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड लिस्ट से लास्ट एलिमेंट फर्स्ट लिस्ट से सेकेंड एलिमेंट सेकेंड लिस्ट से सेकेंड लास्ट एलिमेंट तो ये तो लिस्ट यही खत्म होगी अगर आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बचते हैं तो वो ऑब्वियसली लास्ट में ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली बस आप फिर वन माइनस एट एट माइनस टू टू माइनस फोर फोर माइनस वन तो वन माइनस एट एट माइनस टू और टू माइनस फोर इसके आपको डिफरेंसेस ये मिल जाते हैं सेवन सिक्स टू और फाइनली क्योंकि सर्कुलर है इसलिए हम लास्ट टू लास्ट टू फर्स्ट भी ये कंसिडर कर रहे हैं तो उसका आपको मिल जाता है थ्री इनको आप आपस में ऐड करा देंगे तो आपको टोटल मिल जाता है तो वही मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बट वो, but वो आ, इस ऑर्डर में लिए गए मिनिमम सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टू ऑफ पेयर ऑफ टू एरे आपके पास दो एरे दिए ए एंड बी दोनों की लेंथ इक्वल है दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है और अब हमको एलिमेंट्स को इस तरह से पेयर करना है कि आपका जो एब्सुलट डिफरेंस का सब है वो बिनिब आए अभी तक के हम लोग मैक्सिमम ले रहे थे इस बार हम लोग बिरीब लेंगे तो मिनिमम के लिए क्या करना है आपको दोनों को सॉर्टेड ऑर्डर में लेना है और मिनिमम नंबर टू मिनिमम नंबर सेकेंड मिनिमम नंबर टू सेकेंड मिनिमम नंबर इस तरह से आप सपरेट करते चलेंगे तो उस केस में आपके पास जो एब्सुलट uh, डिफरेंसेस बचेंगे वो आपके होंगे मिनिमम uh, मतलब वो उनका सब जो है वो मिनिमम रहेगा

हमें सिर्फ एक ही एक ही एरे से इन्यूमिरेट करा लेंगे तो भी चलेगा इसकी वजह अगर आप आई और जे को जिप करके एरे वन एरे टू ले लेते तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलता है मैटर और मिनिमम टोटल में हम स्टोर करते चल रहे हैं उनका डिफरेंस डिफरेंस जो है उसको स्टोर करते वेल में एरे वन की वैल्यू आएगी और एरे वन का जो एरे वन की जिस वैल्यू चल रहा है उसका इंडेक्स आई में आ जाएगा तो उसी इंडेक्स से करस्पॉन्डिंग जो एरे टू का एलिमेंट है वो हम सब कराते चलेंगे तो ये आपको मिनिमम टोटल मिल जाएगा ये एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो थ्री टू वन और टू फोर वन है तो ये वन टू थ्री हो जाएगा और ये वन टू फोर हो जाएगा दोनों के हम डिफरेंसेस देखते चलेंगे जीरो जीरो और फोर माइनस थ्री वन आ जाए तो हमें मिनिमम मिनिमम सम ऑफ एरे पेयर्स जो मिल रहा है वो आ गया हमारा वन ये वन हमारा रिजल्ट नेक्स्ट है हमारा जॉब शेड्यूलिंग तो जॉब शेड्यूलिंग हमें इस हिसाब से करनी है कि शॉर्ट जॉब जो है सबसे कम ड्यूरेशन का जॉब है जिसको निपटाने में कम हो रहा है जो जो टास्क आपका जल्दी खत्म हो जा रहा है उसको आप पहले कर लेंगे और मान लीजिए दो टास्क में सेम आ, सेम टाइम लगता है तो ये जॉब बस करके है हमारे पास एक पैरामीटर वो जॉब बर्स्ट जो है वो आपको मिनिमम करते चलना है तो हम इन्हीं वैल्यूज को पास करेंगे शॉर्टेज फर्स्ट तो इसमें हमने जॉब अराइवल और जॉब बस किया है रिस्पॉन्स टाइम की लिस्ट है हमारी रिस्पॉन्स टाइम मतलब किसी भी जॉब को करने जॉब को करने में कितना कितना हमारा रिस्पॉन्स टाइम लगेगा मतलब पिछले जॉब से लेके इस जॉब के बीच में कितना डिफरेंस कितना टाइम डिफरेंस जा रहा है वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है कंप्लीशन टाइम अराइवल से लेके फिनिश होने तक का वो हमारा कंप्लीशन टाइम है उसको हमें रिटर्न कराने चल रहा है और ये टर्न टर्न अराउंड अराउंड है, और वेटिंग टाइम मतलब दो के आपको वेट करना पड़ेगा वो टर्न कंप्लीट कि होने, uh, uh, होने, होने कितना तो वो आपका टर्न अराउंड टाइम है तो आपको एक पर्टिकुलर जॉब को निपटाने में कितना टाइम लगा वो आपका टर्न अराउंड टाइम उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब शेड्यूलिंग करनी है जॉब तो शेड्यूलिंग पे आते हैं पहले तो ये जॉब सॉर्ट है तो आपके पहले अराइवल के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट कर देगा हम लोग जॉब अराइवल पे जा रहे हैं और उसके लिए हम लोग आई माइनस uh, जो भी लेंथ है माइनस आई माइनस वो हम जो भी इंडेक्स है उ, उस इंडेक्स को छोड़ के बाकी बचे हुए इंडेक्सेस से लास्ट से चेक कर रहे हैं जैसे अगर हम लोग मान लीजिए सेकंड इंडेक्स पे हैं तो सेकंड इंडेक्स सेकंड इंडेक्स छोड़ के मतलब फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स छोड़ के लास्ट से जितने वैल्यूज हैं उनको ट्रैवर्स कराते चलेंगे अगर वो नेक्स्ट वैल्यू से ज्यादा जा, टाइम लेने वाला बाद में आ रहा है नेक्स्ट वैल्यू से बाद में आ रहा है तो हम उसको स्वैप uh, करा ले रही है नॉर्मल स्वैपिंग है हमारी स्वैप करा ले रहे हैं तो मतलब जॉब्स को रिप्लेस रिप्लेस कर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है इन शॉर्ट यहाँ पे असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जा रहा है उसके बाद ये जॉब अराइवल अगर ये uh, दोनों में इक्वल टाइम है मतलब दोनों जॉब एक ही समय पे आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप किस uh, किस uh, uh, किस बेसिस पे सॉर्ट करेंगे तो ये जॉब बस्ट का जो आपके पास एरे जाएगा उसको हम चेक करते चलेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेंगे तो ये जॉब अराइवल और जॉब uh, बस्ट इन दोनों के अकॉर्डिंग पे सेट है आपको बस मिनिमम अराइवल टाइम और मिनिमम बस टाइम इसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना था वही हमने किया है यहाँ पे हमारे पास अराइवल टाइम और आ, बस टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है तो अब हम ले रहे हैं करेंट टाइम करेंट टाइम मतलब अभी हम करंटली किस टाइम पे चल रहे हैं तो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स टाइम मतलब आप किसी भी जॉब को कब रिस्पॉन्स देंगे किसी भी जॉब को आप रिस्पॉन्स कब देंगे वो वो हमने से, आ, वो हमने करेंट टाइम वो हमारा करेंट टाइम हो रहेगा वो हम रिस्पॉन्स टाइम में स्टोर करते चल रहे हैं और उसमें जॉब बस्ट के लिए कितना टाइम लग रहा है वो हम ऐड कराते चल रहे हैं जॉब मतलब जॉब जॉब को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है वो हम ऐड कराते चल रहे हैं जॉब मतलब खत्म कब हो रहा है हमारा तो कंप्लीशन टाइम कंप्लीशन टाइम का हमारे पास एरे जो है उसमें बनते जा रहे हैं जो करंट टाइम है वो डलते जाएगा और बस आप जॉब और जॉब बस में नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू ऊपर जाते जाइए मतलब हम स्लाइसिंग कर दे रहे हैं इसकी स्लाइसिंग कर देने से हम नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाते हैं अगर आप चाहे तो इंडेक्स को भी ऑपरेट कराते चल सकते हैं अगर आपको इंडेक्स ऑपरेट नहीं कराना है तो हमने जीरो जीरो डाल दिया यहाँ पे और उसके बाद हम जब हमारा दोनों में उस जॉब के जॉब और जॉब बस के थ्रू थ्रू हम जा चुके तब हम स्लाइसिंग करके उसको हटा दे रहे हैं अपनी लिस्ट से तो ये हो गया हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस जॉब अराइवल मतलब जॉब हमने जब से स्टार्ट किया तब से उसको कंप्लीशन टाइम से आप सेपरेट uh, कर लीजिए तो आपको एक एक पर्टिकुलर जॉब में कितना टाइम लगा एक पर्टिकुलर uh, तो ये जिप का यूज किया है कंप्लीशन टाइम की वैल्यू आ जाएगी आई में और टेम्परे जॉब अराइवल जो हमने जॉब अराइवल की सॉर्टेड लिस्ट निकाली थी वो सॉर्टेड सॉर्टेड लिस्ट को हमने अलग से स्टोर कर दिया क्योंकि यहाँ पे हम लोग वो लिस्ट को खत्म कर रहे तो हमने एक, एक और लिस्ट बनाई टेम्प्रेरी करके उसमें स्टोर कर लिया और इन दोनों का आपस में सपरेट करा दे रहे हैं तो टेम्प्रेरी जॉब अराइवल के जो एलिमेंट है वो जे में जाएंगे कंप्लीशन टाइम के जितने एलिमेंट है वो आई में जाएंगे दोनों का आप सपरेट कर देंगे तो एक जॉब को कम्पलीट करने में मतलब आप स्टार्ट किया और फिनिश किया उसके बीच में आपका कितना टाइम लैप्स हो रहा है वो आपका टर्न अराउंड में आ जाएगा और फिर वेटिंग टाइम आपको दो जॉब्स के बीच कितना वेट करना तो आपके टर्न अराउंड टाइम और जॉब बस टाइम का आप सब्टन कर दीजिए तो सेम मेथड जिप लगा के आई माइनस जे कर दिया तो वो आपको वेटिंग टाइम मिल जाएगा वेटिंग टाइम की लिस्ट मिल जाएगी हर एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा तो ये आपको लिस्ट में मिल जाएगा और वही हमने पूरी लिस्ट रिटर्न करा दी है सारी लिस्ट इसको रिटर्न कराएंगे तो ये हमें सारी लिस्ट मिल जाती है रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या है कंप्लीशन टाइम क्या है टर्न अराउंड टाइम क्या है वेटिंग टाइम क्या है वो हमें मिल जाता है सो नाउ आई वी स्कीपिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑल अदर एलिमेंट्स तो हमारे पास uh, ये वैल्यूज है एक लिस्ट की वैल्यूज है हमें ऐसा इसका सबसेट निकालना है जिसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट सबसेट मतलब वो सबसेट का साइज जो है वो कम होना चाहिए ऐसा हमें स्मॉलेस्ट सबसेट निकालना है जिसका सम uh, जो है वो इस ओरिजिनल ओरिजिनल सेट में जो अवेलेबल वैल्यूज है उनके मैक्सिमम वैल्यूज से भी बड़ा हो तो जैसे अगर मैं ये सब uh, जो लिस्ट इसमें अगर मैं करूं, five, तो अगर इन दोनों इन का सम जो सिक्स है वो इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है मैं वन और टू नहीं ले सकता और में सम आएगा वो फाइव से बड़ा नहीं होगा तो मुझे क्या देखना है सिर्फ इसके लिस्ट का मैक्सिमम वैल्यू देखना है और मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा सम बनाने के लिए कितना सबसेट लग रहा है मुझे वो देखते चलना है तो स्मॉलेस्ट सबसेट, तो सबसेट में क्या ले सकता हूँ एक सिंपल लॉजिक है आंसर आपका वन और टू ही रहेगा अगर आपको सबसेट बोल दिया कि इक्वल टू और ग्रेटर देन तो आप तो सीधे मैक्सिमम एलिमेंट ले लीजिए आपका सबसेट वन आ जाएगा इक्वल टू और ग्रेटर देन की कंडीशन में आप मैक्सिमम एलिमेंट ले लीजिए वो आपके मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल या ग्रेटर ही रहेगा अदरवाइज अगर आपको ग्रेटर ही बोला तो मैक्सिमम एलिमेंट प्लस मिनिमम एलिमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं जो पॉजिटिव एलिमेंट हो एक्चुअली जो एड करके ग्रेटर सम दे वो तो आप उसको एड करा देंगे तो आपको सम ग्रेटर मिल जाता है तो आपका आंसर जनरली वन और टू में ही रहेगा उससे मतलब उससे ज्यादा लेंथ आपको नहीं मिलेगी तो हम आ, सिंपल एक आ, इंडेक्स रेड करके हम बना के चल रहे हैं और एक फ्लैग ले लिया फौल्स, आ, फौल्स का मतलब इनिशियलाइज हम लोग फॉल्स से कर रहे हैं सिंपल बाइनरी वेरिएबल है हमारा और मैक्स वैल्यू ले ले रहे हैं मैक्स वैल्यू हमारी आ, मैक्स वैल्यू अभी हम लोग मतलब इनिशिएट कर रहे हैं इसको माइनस इन्फिनिटी से मतलब लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल जब वो निकाल ले तो माइनस इन्फिनिटी फ्लैग so uh, well मतलब फॉल्स रहे। ही रहेगा अगर वो मैक्स वैल्यू की इक्वल हो जाती है तो आपको ट्रू कर देना है ऐसा हम हर एलिमेंट के लिए करते चल रहे हैं हर एलिमेंट को देखते चल रहे हैं वो मैगजिम है कि नहीं है मैगजिमम होगा तो मतलब मैगजिम होगा तो हम उसको अपडेट करते चलेंगे मतलब मैगजिम देखते चलेंगे अदरवाइज अगर वो इक्वल आ जाता है तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा उसके बाद जो फाइनल वैल्यू ऑफ फ्लैग है <coughs> <coughs> फाइनल वैल्यू ऑफ है उसके ऊपर हमने कर दिया कि अगर इफ नॉट फ्लैग मतलब अगर ट्रू है मतलब फॉल्स है फ़ॉल्स है तो वन रिटर्न करिए अगर फॉल्स है इसका मतलब मैक्स वैल्यू मैक्स वैल्यू आपको मिल गई है तो आप सिंपल सिंगल एर से ले सकते हैं अगर इक्वल आ रही है मैक्स वैल्यू के इक्वल आ रही है तो उस केस में आपको मैक्स वैल्यू के साथ एक छोटी वैल्यू और एड करानी पड़ेगी कोई भी तो एल्स टू तो हमको सिर्फ लेंथ ऑफ लिस्ट चाहिए थी ना लेंथ ऑफ सबसेट चाहिए था तो वो और ही रहेगा हमारा तो अगर फ्लैग हमारा फॉल्स रहता है इस, इसका मतलब हमारे पास सिंगल जो वैल्यू है वही मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू से हम सब निकाल मैक्सिमम वैल्यू कोई सबसेट ले लेंगे ले तो उससे हमारा काम चल जाएगा उसका सम मतलब ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो जाएगा हमारे मैक्सिमम वैल्यू से तो उस केस में 1 अदरवाइज अगर फॉल्स फौ, है फॉल्स के केस में मतलब तो ट्रू हो गया है ट्रू कब होएगा जब ये इक्वल हो जाएगी ट्रू हो जाता है तो टू प्रिंट करा दीजिए मतलब आपको दो एलिमेंट लगेंगे दो वाले दो एलिमेंट को सम कराएंगे तब तो आपको मिलेगा जहां जैसे इस एग्जांपल में 2 1 3 हमारे पास लिस्ट है तो आपके पास यहाँ मैक्सिमम एलिमेंट है 3 तो मैक्सिमम एलिमेंट थ्री के लिए अगर आपको इससे बड़ा सबसेट लेना है थ्री सबसेट लेना तो भी इक्वल एंड ग्रेटर है आपका। तो वो उस केस में आपका वन रिटर्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम ये एक्चुअली हम लोग लिस्ट जब लिस्ट के प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे तब भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था बट क्योंकि यहाँ ग्रीडी अप्रोच लग रही तो इसलिए इसको ग्रीडी में भी रिपीट किया तो इसके पास प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारे पास चॉकलेट के हैं एक 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 पैकेट पैकेट जो है वो बच्चे बच्चे को एक एक बच्चे को देंगे हम जाएगा और उसके बेस पे हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि जिस बच्चे को सबसे ज्यादा चॉकलेट्स वाला पैकेट मिल रहा है जिस बच्चे को सबसे कम चॉकलेट्स वाला पैकेट मिल रहा है उनका डिफरेंस कम से कम मतलब अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन तो वही होगा ना कि आप दोनों बच्चों जो सबसे कम जिसको मिल रही है सबसे ज्यादा जिसको मिल रही है उनके बीच में डिफरेंस कम हो वो हमारा बेस्ट दिस, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो एम है हमारे पास नंबर नंबर ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट जिनको हमें बांटना है और एरे में जो है हमारे पास पैकेट में चॉकलेट कितनी है वो दी है तो एक एलिमेंट एक पैकेट को रिफर करता है और एलिमेंट की जो भी वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी कि उसमें कितने चॉकलेट्स है उस पैकेट में तो मिनिमम डिफरेंस वाला अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो इसका सिंपल स्टेप अगर मैं बताऊं तो वो ये रहेगा इसको आप पहले सॉर्ट कर लेंगे सॉर्ट करने में क्या होगा कि आपको पता है कि मैक्सिमम डिफरेंस कब बनता है जब मिनिमम माइनस मैक्सिमम वैल्यू सब्रैक्ट होती है मिनिमम माइनस मैक्सिमम वैल्यू में आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा उस मैक्सिमम डिस्टेंस को आपको कम से कम रखते चलना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसका सॉर्टेड ऑर्डर में लेंगे इसका सॉर्टेड ऑर्डर हमें इस तरह से मिल जाता है इसके बाद पाँच पाँच के पा, हमारे पास जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उत्तों का सेट लेते चलेंगे और उसमें सॉर्टेड है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मिनिमम वाले को मिलेगा जो लास्ट एलिमेंट है वो मैक्सिमम वाले को मिलेगा उतने पर्टिकुलर सेट में नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सेट में मिनिमम और मैक्सिमम आपको मिल जाएगा वो डिफरेंस आपको मिनिमम लेते चलना है तो जैसे अगर मैं इसको ट्रेवल्स करना चालू करूं तो यहाँ पे हमारे पास अभी एम की वैल्यू है फाइव मतलब पांच स्टूडेंट्स को आपको देना है और ये आपकी इनपुट लिस्ट है इसको हमने सॉर्ट करा दिया तो आप फर्स्ट एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट को चेक करेंगे फर्स्ट और तो ये इसका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास एट इसको हमने स्टोर कर लिया नेक्स्ट सबसेट का देख रहे हैं तो थ्री टू नाइन ले सकते हैं हम थ्री टू नाइन में हमारा डिफरेंस आ जाता है सिक्स ठीक है वो एट से कम है तो ये अभी करेंटली हम इस सबसेट को प्रेफर करेंगे फिर उसके बाद फोर टू ट्वेल्व करेंगे फिर से एट डिफरेंस आ जाता है तो वो तो प्रेफरेबल नहीं है

तो ये मिनिमम सेट के लिए बना के रखा है मिनिमम सेट की वैल्यू और इंडेक्स मिनिमम सेट में जो मतलब पोजिशन हम देख रहे हैं तो फर्स्ट पोजिशन और फिफ्थ पोजिशन उनका सब्ट्रैक्शन लेते चलेंगे मिनिमम सेट के लिए और उसकी मिनिमम सेट की वैल्यूज लेते चलेंगे मिनिमम सेट में हमें मिल जाएगी किस पे हो रहा है और उसका इंडेक्स मिलते चलेगा कि कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक हम जाएंगे

मतलब तो पांच स्टूडेंट्स को देना है तो आपको उस इंडेक्स से लेकर उस इंडेक्स से लेके पांच पैकेट जितने हो रहे हैं वहां तक के आपको स्लाइसिंग करनी है वो स्लाइसिंग आपने कर दी तो आप आ, आपके पास आ जाता है रिजल्ट आपके पास लिस्ट आ जाती है तो इधर हमारे पास वन थ्री फोर सेवन नाइन नाइन ये जो एग्जाम्पल में दिखाई वही लिस्ट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है अगर आप सॉर्टेड नहीं है तो भी सॉर्ट हो जाएगी प्रॉब्लम के अंदर उससे कोई टेंशन नहीं और चार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है चार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यही सॉर्टेड लिस्ट वो चेक करता चलेगा और को उसमें मिनिमम डिफरेंस तो इसका इंडेक्स देख लेगा इसका इंडेक्स आ रहा है क्या टू जीरो इंडेक्सिंग रहती है हमारी तो जीरो तो टू से लेके आगे के चार एलिमेंट्स तो टू थ्री फोर फाइव टू तो थ्री फोर फाइव ऐड हो गए तो इस तरह से आपको में मतलब वाला सबसेट मिल जाता है क्वेश्चन नंबर तो जिन लोगों ने क्लैश ऑफ क्लैंस या फिर उससे रिलेटेड गेम्स जो रहते हैं वो अगर खेले होंगे तो उन... उनको पता होगा कि हम क्लैश ऑफ क्लैंस में किस तरह से करते हैं तो हमारी टेरिटरी रहती है उसके ऊपर कैसे हम डिफेंसिस लगाते हैं अटैक्स डिफेंसिस और भी टाउन हॉल वगैरह जिस तरह से लगाते हैं यहाँ हमें से डिफेंस मतलब है तो डिफेंस के लिए हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर ग्रिड दी है तो क्लैश ऑफ क्लैश में भी हमारे पास एक स्क्वेयर प्लॉट रहता है उसके ऊपर ग्रिड बनी रहती है उसमें हम लोग डिफेंसिस रखते हैं हमारे जो आर्चर टावर रहता है या फिर क्या है तो कैनन रहता है इस तरह के जो भी डिफेंसेस उसमें आते हैं उसको हम ग्रिड में कहीं तो भी प्लेस करते हैं ये जो पर्टिकुलर हमारे पास दिया है डिफेंस ऑफ किंगडम वाली प्रॉब्लम उसमें ये बोला है कि हमारे पास टावर है और टावर जो है वो सेम रो और सेम कॉलम को डिफेंड uh, कर रहा है और नो टू टावर शेयर रो और अ कॉलम मतलब रो uh, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रो कॉलम में एक ही टावर है और जो टावर है वो उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को डिफेंड कर रहा है अब हम लोग आते हैं पेनल्टी में तो पेनल्टी पोजीशन ऐसी है जो कि लार्जेस्ट अनडिफेंडेड रेक्टेंगल है अब ऑब्वियसली आप लोग इतना बड़ा एरिया है उसमें तीन या चार टावर प्लेस करेंगे तो कुछ पार्ट ऐसा है जो अनडिफेंडेड रहेगा मतलब उस पार्ट जो आपका टावर है वो रो और कॉलम को कवर कर रहा है तो हो सकता है कि आपका कोई एरिया जो है वो छूट जाए तो हम लोग पेनल्टी पेनल्टी जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं लार्जेस्ट अनडिफेंडेड रेक्टेंगल रेक्टेंगल लेते चलेंगे जो जिसके ऊपर डिफेंस कुछ नहीं है और ऐसे में लार्जेस्ट एरिया वाला रेक्टेंगल तो हमें किसी भी गिवन पोजीशन uh, की पेनल्टी को क्रिएट करना है कि लार्जेस्ट एंड uh, किसी भी आपने सेटअप लगाया आपने आपके आपने आपके पास ग्रिड है उसके ऊपर डिफेंसिस प्लेस किए जो टावर्स है वो आपने प्लेस किए तो आपको कितना लार्जेस्ट एंड डिफेंडेड रेक्टेंगल मिल रहा है उसके ऊपर जो भी पेनल्टी है वो आपको कैलकुलेट करना है तो पेनल्टी कितनी है नंबर ऑफ सेल्स इन शॉर्ट एरिया तो हम लोग ये एक्स वाई एक्स कट्स और वाई कट्स ये चार हमारे इनपुट एट्रीब्यूट हैं एक्स वाई मतलब हमारा साइज आता है कि, आ, कि हमारी ग्रिड कितनी बड़ी है एरिया कितना बड़ा है टोटल नंबर और उस एरिया में कहां कहां हमने टावर लगाया उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई में आते हैं एक्स कट वाई कट में तो इधर एक्स पास किया तो जैसे थर्ड थर्ड रो एथ कॉलम के ऊपर एक टावर है इलेवेंथ रो सेकेंड कॉलम के ऊपर एक टावर है एथ रो सिक्स के ऊपर एक टावर है उसमें हमें अब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम ट्रायंगल कौन सा बनेगा जो कि अनडिफेंडेड है मैक्सिमम रेक्टेंगल कौन सा बनेगा जो कि अनडिफेंडेड है उसका एरिया निकालना है उसका एरिया ही आपके पेनल्टी स्कोर के इक्वल होगा तो हमने इनको कर दिया शॉर्ट पहले तो मतलब आप जहां जहां टावर लगा रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने कर दिया शॉर्ट कोऑर्डिनेट सॉर्ट हो गए तो वो आपको पता है कि वो पर्टिकुलर रो और कॉलम डिफेंडेड है वो पर्टिकुलर रो और कॉलम से बचे हुए जो जीरो पे अब फॉर आई फॉर आई इन एक्स कट्स एक्स कॉर्डिनेट जो है आपके सारे टावर्स के उसके लिए हम मैक्सिमम कैलकुलेट करते चलेंगे आपको मतलब जहां पे भी मैक्सिमम आएगा वो और वाई के लिए जहां मैक्सिमम आएगा वो उन दोनों मैक्सिमम का जो प्रोडक्ट उन दोनों मैक्सिमम का जो प्रोडक्ट रहेगा वो आपका मैक्सिमम एरिया रहेगा तो यहाँ पे आई से हमने चालू किया मतलब पूरा लूप चलाया जितने एक्स के एलिमेंट्स है उसके लिए और एक प्री वैल्यूएबल लेके चल रहे तो वैल्यू माइनस प्री वैल्यू में आपके एक्स कट की वैल्यूज आती जाएंगी वो प्री से सब्रैक्ट होती जाएंगी और अगर वो एग्जिस्टिंग मैक्स एरिया से बड़ा है आपको मैक्सिमम चाहिए ना तो, area, x, उससे बड़ा है. तो, तो आप उसकी वैल्यू स्टोर करते चलेंगे पिछली वैल्यू जो देखी है सॉर्टेड है तो आपको पिछली वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू से छोटी मिलेगी तो जो आपने पिछली वैल्यू देखी उससे प्री को आप अपडेट करते चल रहे तो वापस जाके जब सेकेंड इटरेशन चलेगा तो एक्सकट का एक्सकट uh, का जो सेकंड वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू से सब हो जाएगी प्री में क्योंकि फर्स्ट वैल्यू वैल्यू हमारी डली है है एट द पॉइंट वापस से चेक होगा कि क्या वो ऑलरेडी अवेलेबल जो मैक्सिमम ऑफ उससे uh, बड़ा है कि नहीं उससे अगर बड़ा है तो अपडेट कर करिए अदरवाइज रहने दीजिए प्री को बस अपडेट कराने चलिए एक बार हमारे पास मैक्स एक्स की वैल्यू आ गई मतलब एक्स में मैक्स मैक्स वैल्यू कौन सी है वो आ गई उसके बाद हम प्री और प्री प्री को रिसेट कर दिया और मैक्स ले लिया के लिए में भी सेम प्रोसेस हम करेंगे जो ऊपर हमने एक्स के लिए की वही सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं सेम प्रोसेस वही करने के बाद हमारे पास जो मैक्स मैक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट और मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट अभी हमने मतलब इन कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया तो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम ब्रेथ आ जा रही है मैक्स एक्स और मैक्स वाई में अब ऑब्वियसली जो कॉलम आप जिस कॉलम के ऊपर आपने टावर लगाया वो कॉलम तो डिफेंडेड है उसको कंसिडर नहीं करना तो उसको हटाने के लिए एक माइनस वन कर दिया माइनस वन कर दिया तो आपका जो भी जितने भी यूनिट्स आपके कंसिडर उससे एक यूनिट कम हो जाती है वो डिफेंडेड एरिया uh, है टावर का तो वो कम हो जाता है वो कम होने के बाद आपको सिर्फ इसका एरिया निकाल देना तो प्रोडक्ट कर दीजिए जो भी इसका एरिया होगा वो पेनल्टी के इक्वल होगा पेनल्टी हमें दी है मैक्मम अनडिफेंडेड एरिया का सेल्स, तो वही एरिया ही हो जाएगा प्रोडक्ट जिसको कहते हैं प्रोडक्ट कर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा सो थैंक यू आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे